जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग की संपत्ति कुर्क। साइकिल, कुर्सी, मेज समेत कटोरा चम्मच तक उठा ले गई पुलिस। यूपी के भदोही में सपा विधायक जाहिद जमाल बेग के आवास पर जिला प्रशासन द्वारा कुर्की कार्यवाही की गई। वहीं विधायक के 3 मंजिला मकान में देर शाम तक कुर्की की कार्यवाही चलती रही। करीब 3 वाहनों से विधायक आवास से जब्त सामान को ले जाया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा कुर्की के दौरान तख्त, साइकिल, मेज, कुर्सी, इन्वर्टर, पंखे, घड़ी, साज सज्जा के सामान, बर्तन, डाइनिंग टेबल आदि सामान को भी जब्त किया गया। बता दें कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। दरअसल 8 सितंबर को भदोही में सपा विधायक जाहिद जमाल बेग के 3 मंजिला मकान में नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने विधायक के घर से एक और नाबालिग नौकरानी को मुक्त कराया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक, उनकी पत्नी सीमा बेग व बेटे के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज किए थे। बता दें कि पुलिस ने विधायक के बेटे को 18 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद विधायक ने 19 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वही विधायक की पत्नी सीमा बेग फरार हो गई थी, कोर्ट के आदेश के बाद भी हाजिर नहीं हुई। ऐसे में MP MLA कोर्ट ने कुर्की का आदेश दे दिया। वही पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर विधायक के 3 मंजिला मकान को कुर्क किया गया। विधायक की पत्नी सीमा बेग कोर्ट के आदेश के बाद भी हाजिर नहीं हुई, जिसके चलते कुर्की की कार्यवाही के आदेश जारी किए गए। उसके अनुपालन में भदोही पुलिस ने कार्यवाही की है। फिलहाल जब्त सामानों की अनुमानित कीमत लगभग अभी बता पाना मुश्किल है। अभी सामानों की लिस्टिंग की जा रही है। भदोही पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 185/24 की वांछित अभियुक्ता सीमा बेग, पत्नी जाहिद जमाल बेग, निवासी मलिकाना मोहल्ला थाना भदोही जनपद भदोही के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12 नवंबर को 85 BNSS के तहत कुर्की आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक 18 नवंबर को प्रभारी निरीक्षक भदोही के द्वारा अभियुक्ता के 3 मंजिला भवन में रखी चल संपत्ति की नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई